व्हाट इज ट्रेंडस्टर इन हीलियम 10? दोस्तों हीलियम 10 के अंदर जो प्रोडक्ट रिसर्च सेक्शन है उसके अंदर जो सेकंड टूल है वो है ट्रेंडस्टर Amazon Trend Finder. So let's get started. तो दोस्तों ये है हमारे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड. हीलियम 10 के डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर आए तो हमारे पास है जी प्रोडक्ट रिसर्च का सेक्शन. इस पे जब क्लिक करते हैं तो सेकंड टूल है हमारे पास ट्रेंडस्टर. ट्रेंडस्टर पर क्लिक करते हैं. अब देखते हैं जी ट्रेंडस्टर का काम क्या है और ये कैसे काम करता है. ठीक है, हमारे पास दोस्तों ये ट्रेंडस्टर चेकर है. इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ है मार्केट. हम यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके. तो आप जो भी अपनी मार्केट यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके अपनी रिसर्च स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मार्केट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर मार्केट के अलहदा अलहदा रिजल्ट्स होंगे. ठीक हो गया. अभी हमारे पास ये बोलता है कि जी यहाँ पर एक ASIN को एंटर करें और दूसरा यहाँ पर आप एक फ्रेज एंटर करें. ट्रेंडस्टर का काम दोस्तों ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जब काम करने लगे हैं तो आपने उसका ट्रेंड चेक करना है कि क्या वो सीजनल प्रोडक्ट है तो नहीं है. अगर सीजनल प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीजनल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं. लाइक इसकी सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस. पहले हमारे पास ये कीवर्ड है, हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ पर कीवर्ड वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देते हैं. और दूसरा यहाँ से हम किसी प्रोडक्ट का जो है वो ASIN कॉपी कर लेते हैं ताकि हम पर रिसर्च स्टार्ट कर सकें. लाइक मैंने इसका ही जो है वो ASIN को कॉपी किया. असल में दोस्तों ट्रेंडस्टर जो है हमें वो दोनों तरह के ट्रेंड बताता है. अमेजोन के ऊपर भी ट्रेंड को बताएगा और गूगल के ऊपर भी, एक ही जगह पर हमें ट्रेंड दोनों देखने में मिल जाएंगे. तो ये इसका बहुत ही कमाल फीचर है जो मुझे तो बहुत पसंद आया कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों तरह के ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे. और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट ट्रेंडस्टर. स्टार्ट ट्रेंडस्टर पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है दोनों तरह के मेरे पास ट्रेंड. ठीक है, अब मैं यहाँ से 90 डेज का सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रेंड. तो ये बता रहा है कि ये ओवरऑल कैसी, ये ऑल टाइम का देखते हैं. तो ऑल टाइम के अंदर अगर हम देखें या 90 डेज का देख लेते हैं पहले, तो ये हमें बता रहा है कि जून के बाद से इसका जो BSR है वो बहुत ही कमाल रहा है. इसकी जो सेल्स है वो हाईली इंक्रीज की हैं और उससे पहले, और प्राइस बहुत इसकी मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं हुई, प्राइस इसकी ओवरऑल ठीक रही है. अगर हम ऑल द टाइम देखें तो इसकी प्राइस स्टार्ट में बहुत कम थी लेकिन प्राइस इसकी फिर ज़्यादा हो गई. और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर ये अगर हम जुलाई के अंदर देखें तो इतना ज़्यादा सेल नहीं हुआ, नहीं सॉरी जुलाई के अंदर भी ठीक रहा है. ये जनवरी से अप्रैल के दरमियान इसका BSR इंक्रीज़ हुआ है. इसके दरमियान इसकी सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं. उसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, मे बी ये FBA सेलर ना हो क्योंकि इन्वेंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस थी. तो उसके अलावा दोस्तों हाँ एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मामला चल रहा था. तो उसके अलावा आप देखें तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर चलती है, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है. अगर हम इस ईयर की बात कर लें तो इसमें भी या 90 डेज की बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट अच्छी जा रही है. सिर्फ COVID-19 में इसमें कुछ इश्यूज आए. और इसी तरह आप ये देख सकते हैं अगर आप ये ट्रेंडस्टर गूगल में देखें, गूगल ट्रेंड में, तो ये आपको नज़र आएगा कि प्रोडक्ट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, सेल्स है, वो ठीक जा रही है. इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, कोई ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहे. तो ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं है. अभी दोस्तों हम एक नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं. लाइक हमारे पास है जी ये वाली प्रोडक्ट. हाँ, इसका हम ASIN जो है वो कॉपी करते हैं. सेंटा क्लॉस जो कॉस्ट्यूम है जो कि सिर्फ क्रिसमस पे ही यूज़ होता है, इसका मैंने ASIN कॉपी किया. इसको किया पेस्ट और दूसरा इसका मैं पकड़ता हूँ कीवर्ड सेंटा क्लॉस कॉस्ट्यूम. अब इसका हम ट्रेंड चेक करते हैं दोनों के ऊपर कि इसका क्या ट्रेंड आता है. ट्रेंडस्टर पे हमने किया क्लिक, स्टार ट्रेंडस्टर पे, और ये हमारे पास इसके आगे रिजल्ट्स. अच्छा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी 90 डेज का, या 90 डेज का इसके रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं. तो आप देखेंगे दोस्तों, या ऑल टाइम का चेक कर लेते हैं, तो जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई,
इसके अंदर आप इसके देख लें, इसके जो BSR है वो इंतहाई इंक्रीज कर गया, लेकिन जैसे ही अब अगस्त स्टार्ट हो चुका है इसका BSR डिक्रीज करना स्टार्ट हो चुका है, और उससे पहले जनवरी से पहले भी अगर आप देखें दिसंबर में भी इसका BSR कितना कम था, तो इसका मतलब है कि एक सीजनल प्रोडक्ट है जो कि एक खास जो कि मतलब क्रिसमस के दिनों में ही प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसके अलावा ओवरऑल इसका BSR बहुत ज़्यादा है। अब देखें अगर क्रिसमस आने वाला है तो फिर इसका BSR डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ से 1 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखें आप जनवरी से पहले और अगस्त के दरमियान में इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है और ओवरऑल देखें तो इसकी जो सेल्स हैं वो कम ही हैं, यानी इसकी कोई सेल्स नहीं हो रही, तो इससे पता चल जाता है कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है। तो ट्रेंडस्टर जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों ही चीज़ें दोनों ही फ्लेवर आपको देगा कि अमेज़ोन पे इस प्रोडक्ट का खास का क्या ट्रेंड चल रहा है और इसके अलावा इसका गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रेंडस्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हीलियम 10 का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इसके अलावा आपको कोई भी फीडबैक है आप कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए, कोई आप चाहते हैं वीडियोस में चेंजिंग की जाए या कुछ भी आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं, उसके अलावा बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए तो आपके न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, जिसमें मैं आपकी उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है अपने सैलरी अकाउंट से रिलेटेड या कोई न्यू कोर्स आप सीखना चाहते हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।